हेलो एवरीवन, नाउ आई एम हियर इन ऋषिकेश एंड एज यू ऑल नो ऋषिकेश इज फुल ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। और ऋषिकेश जो है ये उत्तराखंड में एक सिटी है, आप कह सकते हैं उत्तराखंड को देवभूमि कही जाती है। और इसी के बीच में उत्तराखंड में ही बसा एक सिटी ऋषिकेश आप कह सकते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। और आपको मेरे पीछे का व्यू देख के लग रहा होगा काफ़ी खूबसूरत व्यू है। और इन्हीं सारे टूरिस्ट प्लेसेस, इन्हीं सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है यहाँ का राम झूला और लक्ष्मण झूला। तो लक्ष्मण झूला अभी मैं जहाँ अभी प्रेजेंट हूँ इससे 1 या 2 किलोमीटर उस साइड आगे पड़ता है, बट वो वहाँ की ब्रिज बन रहा है और कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से वो बंद है। तो मैं आपको दिखाऊंगी आज राम झूला, और राम झूला यहाँ का काफ़ी फेमस है। और राम झूला जो है वो आप यहाँ पे गंगा नदी देख रहे हैं। यहाँ की सबसे बड़ी स्पेशलिटी तो ये है कि किसी भी डेस्टिनेशन में 4 चांद लगा देती है गंगा नदी। तो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं गंगा नदी को और उसके पीछे पहाड़, तो काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ से। और राम झूला जो है वो गंगा नदी पे ही एक ब्रिज, एक पुल बना हुआ है, आयरन पुल है वो, आयरन ब्रिज है। और उस पर जा करके इस पार से उस पार जाया जा सकता है, इवन बाइक्स वगैरह भी थोड़ी नॉर्मल स्पीड से जाती हैं। तो ये जो राम झूला है वो उधर रामानंद आश्रम और यहाँ पे इस साइड जो मैं आपको दिखाऊंगी वो है स्वर्ग आश्रम, इन दोनों को कनेक्ट करता है। और इसके आसपास कई सारे आश्रम्स हैं, आसपास गीता भवन है, रामानंद आश्रम है, परमार्थ निकेतन है, ये सभी चीज़ें देखने लायक है यहाँ की, काफ़ी खूबसूरत है। और इसके इधर साइड भी आप देख लीजिए, आगे मैं चलूँगी तो आपको दिखाऊँगी कि कई सारे आश्रम भी हैं जो टूरिस्ट आते हैं, दूर दूर से आते हैं, वो स्टे भी करते हैं यहाँ पर। तो इन्हीं दोनों जो आश्रम हैं उन्हीं को ये जोड़ता है। और ये पुल जो है, बताते चलूँ आपको कि 1980 के समथिंग इसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया था, ऐसा कहा जाता है कि जो राम जी हैं, राम लॉर्ड राम हैं, उनके उस समय उनके भाई लक्ष्मण जी वो इसी गंगा नदी को इस पार से उस पार पार करके गए थे, एक रस्सी के सहारे, 2 रस्सियाँ थी उसके सहारे। तो उसके बाद ही लक्ष्मण झूले का निर्माण किया गया उन्हीं के सम्मान में आप कह सकते हैं। और उसके निर्माण के काफ़ी, लक्ष्मण झूला तो काफ़ी पुराना है बट ये राम झूला लगभग 32-33 ईयर्स ही पुराना है। तो बाद में इसे भी बनाया गया, तो ये भी काफ़ी फेमस है। तो लक्ष्मण झूला तो यहाँ से काफ़ी दूर है बट राम झूला यहाँ पर है जो मैं आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पर भी कुछ फेमस चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाते चलती हूँ। तो ये है राम झूला जिसे आप देख रहे हैं, और इस पे आपको टूरिस्ट लोग भी नज़र आ रहे हैं। जो भी ऋषिकेश विजिट करने आता है, घूमने आता है, वो राम झूला और लक्ष्मण झूला को देखने ज़रूर आता है। और सामने जो आपको माउंटेन्स और ये जो सारी पहाड़ियाँ दिख रही हैं ये उनकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। और ये राम झूला आप देख रहे हैं ये पूरा आयरन यानी कि लोहे से बना हुआ है और पूरे पिलर्स बने हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा। और यहाँ से आप गंगा नदी का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ जो गंगा नदी है वो गोमुख से निकलकर माउंटेन्स के बीच से फ्लो करती हुई ऋषिकेश की धरती को टच करती हैं, तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ नज़र आती हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्रिज देख रहे हैं, पुल देख रहे हैं, ये पूरे लोहे की जो मजबूत तार हैं उससे पूरी जकड़ी हुई हैं ताकि इस पुल को मजबूती मिली रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे जा रहे हैं और इवन बाइक वगैरह भी जाती हैं यहाँ से। और जैसा कि मैंने बताया कि पुल बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 32-33 ईयर्स ही पुराना है, तो इसलिए ये भार सहने में भी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक बाइक भी जा रही है। और ये काफ़ी अट्रैक्शन का आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ऋषिकेश में, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और रात में जब यहाँ पे लाइट्स जलती हैं तो जगमगाती हुई लाइट्स और भी ज़्यादा उस वजह से ये जो राम झूला है और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। और इसके चारों तरफ जो है आपको केवल पहाड़ियाँ और गंगा नदी का खूबसूरत कनेक्शन ही देखने को मिलेगा। इस पुल पर जब आप चलेंगे तो ऐसा आपको फील होगा कि ये पुल झूल रहा है, तो इसीलिए एक फील आता है कि हाँ एक झूला है और राम झूला के नाम से तो हम इसे जानते ही हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और इस ये जो पुल बना हुआ है, राम झूला जो बना है, ये शिवानंद आश्रम के ठीक सामने है, तो इसीलिए इसे शिवानंद झूला के नाम से भी जानते हैं। राम झूला ऋषिकेश जो स्टेशन है वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है,
तो वहाँ पे आप इजीली ऑटो से आ सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा अननोन होने की वजह से ऑटो वाला जो या फिर जो भी आप ट्रांसपोर्ट करते हैं वो आपसे ज़्यादा चार्जेस ले सकते हैं। और इस जगह पे आप इजीली पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे जो आसपास हैं, जो घूमने लायक चीज़ें हैं, वो हैं परमार्थ निकेतन, गीता भवन, स्वर्ग आश्रम, योग निकेतन, बीटल्स आश्रम और एक फूड कोर्ट भी है। एक चोटी वाला नाम से एक रेस्टोरेंट है, वो भी काफ़ी फेमस है यहाँ का, तो वो सभी चीज़ें भी आप घूम सकते हैं। तो यहाँ से अब देखिए हम लगभग पहुँच चुके हैं, इस ब्रिज से हम क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद जो है आप इसके लेफ्ट साइड जब आप जाएंगे तो आपको वो रास्ता जाता है लक्ष्मण झूला की तरफ। ये जो रास्ते जो आपको लेफ्ट साइड में मैं मुड़ी हुई हूँ तो वो जाएगा आपका लक्ष्मण झूला की तरफ। पहले यहाँ पे एक लटकता हुआ जूट रोपवे हुआ करता था। हालांकि 1986 में PWD के द्वारा एक परमानेंट आप ये कह सकते हैं आयरन का ये पुल बनवा दिया गया, तो अब काफ़ी लोगों के लिए इजी हो गया है इस पार से उस पार जाना, क्योंकि पहले लोग थोड़ा डरते भी थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब परमानेंट सोल्यूशन इसका मिल चुका है, लोग आराम से आते हैं, इन्जॉय करते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट, जैसा मैं कि मैंने बताया था आपको कि रामानंद और ये स्वर्ग आश्रम जो है इन दोनों को कनेक्ट करता है, तो सामने ये है। और काफ़ी खूबसूरत इधर साइड में आश्रम्स बने हुए हैं, तो आपको स्टे करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सभी आश्रम आपको नज़र आएंगे। हालांकि एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, काफ़ी कॉस्टली होते हैं और अननोन होने की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा आपसे पैसे ले सकते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो किसी नोन पर्सन के साथ ही आप यहाँ पे आइए, ताकि आपको ये सभी चीज़ें न झेलनी पड़े। और यहाँ से भी आप देखिए आपको इधर होटल और आश्रम ही नज़र आएंगे। यहाँ पे आप शिव जी की काफ़ी सुंदर खूबसूरत आप कह सकते हैं प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ पे एक झूला है और काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ का। आपको आकर के आपको काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ से आप देखिए अब मैं रिटर्न हो रही हूँ इधर से। आई होप आपको वो जगह काफ़ी अच्छी लगी होगी। यहाँ से अब वापस जाने का वही आपको आते जाते लोग पूरे टाइम में नज़र आएंगे। हालांकि अगर आप वेदर की बात करें, सीज़न की बात करें कि किस सीज़न में आपको आना चाहिए, तो आप प्रेफर करिए कि जब थोड़ी बारिश का मौसम जो है वो बीत चुका हो, हल्की ठंडी जब स्टार्ट होती है, और या फिर फरवरी या मार्च का सीज़न जो है काफ़ी मंथ जो है काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ की मार्केट बहुत फेमस है। आपको ये खादी वगैरह के शर्ट, कुर्ता और प्लाजो लड़कियों के लिए कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और आपको ज्वेलरीज आइटम भी लेडीज़ के लिए मिल जाएंगी, चूड़ियाँ। और यहाँ पे लकड़ी के जो आइटम है वो काफ़ी फेमस है। तो यहाँ से आप देखिए लोग आते हैं शॉपिंग भी कर करके अपने घरों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, जिसको जो लेकर के जाना होता है लेके जाता है, तो काफ़ी अच्छा है। तो आई होप आपको ये जगह पसंद आई होगी और वीडियो अच्छा लगा हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ज़्यादातर लोग ऐसी हरिद्वार या फिर ये ऋषिकेश में आपको ऐसे ही शर्ट पहने, टी शर्ट पहने लोग नज़र आएंगे, जिस पे महाकाल, ओम ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। सो थैंक यू सो मच। आप भी जब भी आइए विज़िट ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।